और एक कोर्स खत्म हुआ नहीं कि दूसरा कोर्स स्टार्ट हो गया भाई, क्या ही बताएं। घर में अब खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बाकी ये है मेरा नया कॉलेज। ऐसा देख के ना डर भी लगता है भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि गांव में ये चीजें कभी कभी होती हैं। चोकम्मा पर्वत पे यहाँ पे ग्लेशियर टूट चुका है। ये तेरा फ्री में प्रमोशन है, ठीक है, क्योंकि आज आपने मेरी बहुत हेल्प की। ये देखिए घर के केले कुछ इस टाइप के होते हैं। बाकी अभी मैं आ रखी हूँ अपने लकड़ी वाले चूल्हे में, और इसमें माँ की रखी है ये धनरे की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो अभी दिन के करीब 12 बज चुके हैं और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत ना काफ़ी लेट से हो रही है। बाकी अभी मैं आ रखी हूँ अपने घर की सामने वाली धार में, और यहाँ पे चारों तरफ के नज़ारों को इंजॉय कर रही हूँ। बाकी यहाँ पे धूप के साथ साथ ना ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, और आज देखिए भाई आसमान में हल्के हल्के बादल आने लग गए हैं। इस साइड से तो मौसम सही ही है, लेकिन इस साइड से थोड़ा गड़बड़ होने के लिए हो रहा है। बाकी वेदर में एक दो दिन में शायद बारिश भी दिखा रहा है, तो फिर पहाड़ों में क्या पता मौसम फिर से ठंडा हो जाए और हमें बर्फबारी देखने को मिले। तो अभी अभी देखिए भाई सामने चोकम्मा पर्वत पे यहाँ पे ग्लेशियर टूट चुका है, और बहुत ही भयंकर धुएं का गुबार उठ रहा है वहां से, और हर टाइम ना वहीं पे ग्लेशियर टूटता है भाई, बहुत ही भयंकर। और आजकल धूप लगने की वजह से ना चोकम्मा पर्वत पे बर्फबारी थोड़ा कम हो गई है, बर्फ काफी हद तक पिघल चुकी है चोकम्मा पर्वत से। बाकी सामने पे मेरी माँ भी लगी हैं गुड़ाई का काम करने पे, और हमारे इस वाले खेत में ना बहुत ही ज्यादा पत्थर हैं भाई। बाकी अभी यहाँ पे खेतों में चाची भी आ रखी है, और चाची भी ना अपने खेतों के पत्थरों को उठा रही है। चाची कहाँ ले जाने ये पत्थर अब? अच्छा धार पीछे, ठीक है ठीक है। खेतों में ना इस बार बहुत ज्यादा पत्थर हो गए भाई, क्या ही बताएं। तो यहाँ पे चाची ने कट्टे पे पत्थर भी भर दिए हैं, अब इनको ले जाएगी चाची सीधे सामने वाली धार के पीछे। ठीक है चाची, बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है ठीक है। आज ना सुबह से मेरी तबीयत भी थोड़ा खराब ही लग रही है, पता नहीं शायद आलस्य आ रहा है मेरे को मायके में बहुत ज्यादा। बाकी यहाँ पे माँ भी लगी है खेत में गुड़ाई करने पे, और धूप के आगे से अभी देखिए भाई बादल आ गए हैं, और ये बादल ऐसे लग रहे हैं ना जैसे सीढ़ीनुमा खेत होंगे भाई। बाकी आजकल यहाँ घर में भी ना पूरा अस्त व्यस्त माहौल हो रखा है। पापा जी भी लगे हुए हैं अपने काम पे, तराई कर रहे हैं मस्त मजे से, और यहाँ पे सीढ़ी बनने का काम भी लगातार जारी है। और परसों ना हमने महाशिवरात्रि के दिन जो धनोली बनाई थी वो हमने ऐसे टांग दी है घर में। बाकी ये पिछले साल की धनोली भी देखिए भाई यहाँ पे ऐसे ही बची हुई है। तो अभी नीचे मंसूरा मार्केट में ना जोर जोर से सायरन बज रहा है, और यहाँ गांव में ना सब चौकन्ने हो गए हैं भाई, सब बाहर आ गए हैं कि ये क्या हुआ, काफी देर से ये सायरन बज रहा है। और अभी वो गाड़ियाँ ना सामने चली गई हैं, बाकी पुलिस वाले और आर्मी वाले भी पैदल चल रहे हैं। ऐसा देख के ना डर भी लगता है भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि गाँव में ये चीजें कभी कभी होती है, तो सब डर गए। नीचे मनसुना गांव में भी ना सब अपने अपने छतों में आ रखे हैं, ऊपर से हमारी बॉडी जी भी डर गई कि क्या हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है अगला दिन, और अभी दिन के करीब 11 बजने वाले हैं, और हमारी तैयारी हो गई है। गुप्तकाशी के पास में एक कॉलेज है विद्यापीठ, वहां जाने की, तो चलते हैं जल्दी जल्दी वहां। मुझे ना आज अपना जरूरी काम निपटाना है, तो वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो आजकल रास्ते भर में देखिए भाई खूब सारे फ्योली के फूल फूले हुए हैं, और अब एक दो दिन में ना फूल दही का त्योहार भी आने वाला है, तो काफी अच्छी बात है। उस टाइम ना बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, हम भी बहुत एक्साइटेड रहते थे फूल दही के त्योहार के लिए। तो अभी हम रुक गए हैं चुन्नी बैंड पे, बाकी हमको इस वाली रोड से उधर जाना है, यहाँ से हमको दूर पड़ेगा, तो शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं। बाकी आज वहाँ से ना काफी सारी गाड़ियां भी आ रही हैं भाई। चलिए जी, यहाँ पे मैंने अपने फॉर्म वगैरह सबमिट कर लिए हैं, बाकी अब जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, क्या ही बताएं। वैसे तो सिर्फ पेपर देने के लिए ही आना है, लेकिन घर में अब खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी,
बाकी ये है मेरा नया कॉलेज, एक कोर्स खत्म हुआ नहीं कि दूसरा कोर्स स्टार्ट हो गया भाई, क्या ही बताएं, जिंदगी पढ़ाई करने में ही निकल जाएगी शायद, क्यों भाई, पर मेहनत जरूरी है। हाँ वो तो है ही, कुछ पाने के लिए क्या जरूरी है सैक्रिफाइस, तभी तो मंजिल पे पहुंचने का मजा मिलेगा। वही तो, जैसे तू पहुंचा नहीं मंजिल पे, हम तो चल ही रहे हैं, हमारा तो कहीं मंजिल नहीं है भाई। तो अभी मैं और भाई ना फिर से चुन्नी के बैंड पर रुक गए हैं, भाई को यहाँ पे बस एक रील बनानी है, इसने मेरे को फ्रेम सेट करके भी दे दिया है, अब देखते हैं कैसी रील बनती है, वो आपको इसके इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी भाई, क्यों, बिल्कुल पहाड़ी _ बाइकर पे, ये तेरा फ्री में प्रमोशन है ठीक है, क्योंकि आज आपने मेरी बहुत हेल्प की, चलता रहता है। हाँ तो चलिए जी, भाई की रील भी बना दी है भाई, अब चलते हैं सीधे घर की तरफ। चलिए जी, दिन के करीब 2 भी बज चुके हैं और हम अपने परवाड़ी वाले घर के रास्ते में पहुंच गए हैं, बाकी अभी सीधे चलते हैं पुराने वाले घर पे, क्योंकि लंच आज हमारा यहीं बन रहा है, तो लंच करके जाएंगे गिरिया की ओर। बाकी आज ना धूल से हालत खराब हो गई है भाई, क्योंकि इतनी रोड की कंडीशन खराब हो रही है क्या ही बताएं, बाकी यहाँ पे जो बुरांस के पेड़ पे बुरांस खिले हुए हैं ना, काफी गजब का माहौल बना रहे हैं आजकल पूरे पहाड़ों का। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये हैं घर के केले, और ये देखिए घर के केले कुछ इस टाइप के होते हैं, बहुत मोटे मोटे रहते हैं, बाकी यहाँ पे अभी इनको पकाने के लिए रख देंगे। तो अभी सामने केदार घाटी का मौसम देखिए भाई, कितना खराब हो रखा है, वहाँ तो शायद बहुत ही भयंकर बारिश हो रही होगी, बाकी इस साइड से देखिए भाई आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और सामने ना धूप लगी हुई है, और इस साइड देखिए पूरा बारिश बारिश वाला माहौल। बाकी अभी मैं आ रखी हूँ अपने लकड़ी वाले चूल्हे में, और इसमें माँ की रखी है ये धनरे की सब्जी, ये देखिए जी, तो अभी ना तेज तेज हवाएं चलने लग गई हैं, बाकी सारी जगहों से आसमान में अभी काले काले बादल छा गए हैं, बाकी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है, तो अभी हम बारिश के बंद होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही है, अभी भी ना हल्की हल्की बारिश लगी रही है। तो आजकल पहाड़ों में ना 2-4 दिनों से मौसम काफ़ी सही था, प्यारी सी धूप खिली हुई थी, लेकिन आज जैसे ही थोड़ा सा बारिश हो रही है ना, मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है क्या ही बताएं, नहीं तो आजकल इन पहाड़ों में ना गर्मी बढ़ गई थी। बाकी आज देखिए सामने जो हम जिसको त्रिजुगी नारायण का पहाड़ बोलते हैं ना, उस पर भी देखिए काफ़ी सारी बर्फबारी हो रखी है। तो आज हम मनसूना मार्केट तक आए ताऊ जी की गाड़ी में, बाकी अभी सामने से देखिए भाई मौसम कितना गड़बड़ हो गया है, इस साइड से भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और चौखंपा पर्वत की साइड देखिए, वहाँ तो सीधे बर्फबारी हो रही है भाई, बाकी अभी चलते हैं जल्दी जल्दी घर की ओर।